नमस्कार दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आज आपको गुजरात के भरूच ज़िले में जो किसानों के द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम रोक दिया गया है उसके बारे में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। गुजरात के भरूच ज़िलों में किसानों ने मुआवजा लंबित होने को लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम रोक दिया है। निर्माणाधीन हाईवे के लगभग 60 किलोमीटर लंबे हिस्से पर काम रोक दिया गया है। दीवा गांव के लिए भरूच डीएम द्वारा दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार यानी मुआवजा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI अदालत में चला गया है। इस वजह से भरूच ज़िले के अन्य किसानों का मुआवजा लंबित है। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, यहाँ पूरा काम रुका हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। ये पूरा भरूच तक नर्मदा रिवर तक पूरा काम रुका हुआ है। ये यहाँ से आप देख रहे होंगे पूरा। किसान चाहते हैं कि नवसारी, वलसाड, सूरत और मंगलोर के किसानों को जिस बाजार मूल्य के साथ मुआवजा दिया गया है उसी आधार पर इनको भी मुआवजा दिया जाए। 2015 से भरूच ज़िले के किसान NHAI से मुआवजा पाने के लिए समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 मई को 2000 से अधिक किसानों ने भरूच DM को पत्र दिया और 29 मई से भरूच ज़िले में 60 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का काम किसानों द्वारा रोक दिया गया है, जिसके कारण NHAI को डेडलाइन के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाए और किसानों को उचित मुआवजा मिल जाए और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।